एवरीबॉडी, माय नेम इज कार्तिक सैनी एंड वेलकम यू टू माय चैनल। तो यार कैसे हो सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आ गए आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन इन जैक काउंसलिंग। तो जैक काउंसलिंग में दो ऑप्शन आपको मिलते हैं जो कि है फ्रीज और फ्लोट। तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि फ्रीज ऑप्शन क्या होता है और फ्लोट ऑप्शन क्या होता है। तो वो मैं सारी कन्फ्यूजन्स इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक वॉच करना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आएगी। तो फ्रेंड्स, सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं कि राउंड वन के बाद आपको एक सीट अलॉट हुई। जैसे सपोज़ आपको अलॉट हुई DTU में ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीट आपको अलॉट होती है राउंड वन के बाद। तो उसके बाद आप सीट एक्सेप्टेंस फी क्या बोलते हैं उसके बाद आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हो। और सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं फ्रीज और फ्लोट का, कि आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो या फिर आप अपनी सीट को फ्लोट कर सकते हो। तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि अगर आपने सीट फ्रीज कर दी, तो फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी सीट को कन्फर्म कर लिया है और अब आप DTU इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। मीन्स अब आपको वो सीट अलॉट हो चुकी है और अब आप अपनी सीट चेंज नहीं कर सकते। और जो आने वाले राउंड्स हैं, राउंड 2, राउंड 3 और बाकी जो भी राउंड होंगे, तो उसमें जो आपकी सीट है वो अपग्रेड नहीं होगी और आपको वही सीट मिलेगी। यानी कि DTU ECE की जो सीट है वो फिक्स हो चुकी है। और अगर आप अपनी सीट को फ्लोट करते हो, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने जो वो सीट है वो एक्सेप्ट तो कर ली है, लेकिन वो आपने अभी फ्लोट मोड पर छोड़ दी है। यानी कि आप फर्दर अपग्रेडेशन चाहते हो। अगर सपोज़ आपने अपनी जो ब्रांच प्रेफरेंस है वो ऐसे पर रखी है DTU CS, फिर DTU IT, फिर DTU ECE, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जो अगले राउंड्स है, यानी राउंड 2, राउंड 3 या फिर जो भी अगले राउंड्स है, उसमें आपकी जो सीट है वो अपग्रेड हो। तो अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो अगले राउंड्स में, तो आपको फ्लोट मोड, जो फ्लोट ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना होगा। और इससे ये रहेगा कि आपकी सीट आने वाले राउंड्स में अपग्रेड हो सकती है। यानी कि वो DTU IT हो सकती है, वो DTU CS भी हो सकती है, मीन्स वो DTU ECE से DTU IT में चेंज हो सकती है, अगर जो आपकी रैंक है वो कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग है। तो ये था भाई, बेसिकली मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि फ्लोट ऑप्शन क्या होता है और फ्रीज ऑप्शन क्या होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, जो अगली वीडियो है मैं वो बनाने वाला हूँ अपनी ब्रांच, यानी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग इन NSUT के बारे में। तो मेरी ब्रांच यार सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, और वैसे है भी बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी ब्रांच, और उसी के ऊपर अगली वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट करो और बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में।